खेच खेच आत पर खेच ले आवे नाज़रीन। आज एक और हंटिंग सेशन में हम आए हुए हैं। इमरान भाई है, अमानत भाई है, साथ इनका बेटा है। तो इधर हमें यह है सारी वीरान जगह, एक टिब्बा सा है, तो इसे जंगल भी कहा जा सकता है। तो अक्सर यहाँ से ना सांप मिलते हैं, जो गिरदनों और ज़मीनों वाले हमें कॉल करते हैं, तो फिर आके यहाँ पे उसका जो निशान है, खुरे का निशान है, उसको देख के ट्रेस करना पड़ता है सांप को। देखते रहें वीडियो, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। खुरा गया सांप। हाँ सांप लगा हुआ वाकई थोड़ा या। हाँ खुरा है। ले लिया। रती है। आज अल्लाह करे तो सांप ला भी जाए, अपने बेटे नु मैं पकड़ावांगा। अच्छा। हाँ छोटे ने। देखो टांकरा लगी हुई है रती। टांकरा ने गरी गरी टैंकर ही लगी है। टैंकर है। इसको दो कुत्ते बैठे खुरा लगा सप दा वे। अच्छा ऐसे खुड ची हुण छोटे के साथ ही आ गया। हां जी बस फिर दोस्त है। ये भी पकड़ लेता है सांप। पकड़ता है। हाँ बच्चे। जोगी का बच्चा तो हारी पकड़ता है। बल्कि ऐसी डेढ़ बच्चा नू आम सांप पकड़न दी जरूरत नहीं रखाउंदे। अच्छा। ना ट्रेनिंग देने हैं। किसे जहर तो बगैर सांप दी ऐसी ट्रेनिंग देने हुंदे। लग रहा है आपको सांप इसमें? है सांप। अच्छा? आ देख। ए आ आ ए आ आ जमीन हल्दी ने। आ आ ओ दमुई। दमुई? दो मुई। सांड बुआ जिसे कहते हैं। जैसे सांड बुआ आवे। बाहर निकालें जरा इसे। बाहर निकालें। मैं बच्चे नु भी ट्रेनिंग देनी है इसकी। अच्छा। पकड़ाना मुंडे तू। रुकिया नु फाड़। खिच। खिच खिच हाथ पार। खेच ले आवे। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੱਪ ਕੜਾਉਣ ਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਲਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਛੋੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਛੋੜੋ ਉਠਾਏਗਾ, ਛੋੜੋ ਨੀਚੇ ਛੋੜ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਕੜੋ। ਉਠਾ ਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਡ ਬੂਆ, ਇਸਮੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦਮੂਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਚੁੱਪੀ ਫਰੁੱਕ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਮੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਛੋੜ ਦੇ। ਆਪਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਲਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਜ਼ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਛੋੜ ਦੇ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਤੇ ਹੈ। जो कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि शाम तो खैर हमने पकड़ लिया है, तो यार अगर ये जहरीला नहीं है तो इसको छोड़ दो इधर ही भैया। नहीं जी छोड़ना नहीं। क्यों? मैं शिकारी हूँ। अच्छा। शिकारी अपना शिकार छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो ये आपके काम की ना, इसकी जिल्द आपके काम आएगी ना, इसमें जहर है। मैं तो बताना ने, एक बार मेरी बात सुनो ना। एक साढ़े इलाके में लालियां पकड़ते हैं शार्क। हाँ हाँ। वो इसनों तले छोड़ देते हैं। अच्छा।
ਥੱਲੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡੋਰੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੜਫਦੀ ਦੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਸ਼ਾਰਕਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਟੋਕਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਤੇ ਇਸਕੇ ਹਿਲੇ ਸੇ ਉਹ ਪਕੜਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਰਕੋਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬੇਚਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਚਤੇ ਹੈ ਸਹੀ 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 ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਕਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਾਮ ਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਤੋ ਖੈਰ ਸਾਂਪ ਹਮਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਹਮ ਇਹ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਅਗਰ ਸਾਂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੋ ਹਮੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਹਮੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਹਮਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਹਮ ਲੈ ਆਏਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸ ਵੀ ਜਾਏ बहरहाल फिर भी मैं कहूंगा किसी को कहीं पे कोई सांप डसता है सबसे पहला काम है कि वो सीधा हॉस्पिटल में जाएं वहां से जाके एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाएं ठीक है तो उसके बाद फिर उसका बाकी जो इलाज देसी इलाज को करवाना चाहे तो वो जोगी से राबता कर ले लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है अगर कोई स्नेक किसी को डसता है तो सबसे पहले फौरी तौर पे वो करीबी हॉस्पिटल में जाके एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाएं ताकि फौरी तौर पे उसका जो है ना इलाज हो सके उसको काउंटर किया जा सके स्नेक बाइट को क्योंकि जोगी के पहुँचने में बहुत देर लग जानी है तो इसको लोगों को ना इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो फिर जोगी से रब्ता कर सकते हैं इनके पास इनका पुराना देसी टाइप हर्बल इलम है तो खैर अगर कुछ चाहे तो वो ट्राई कर सकता है बहरहाल सबसे पहले एंटी वेनम इंजेक्शन जो है वो ज़रूरी है दूसरी बात मैं फिर बार बार कहूँगा कि अपने घर में कोई भी बंदा ऐसी ट्राई ना करे ऐसी कोशिश ना करे हादसात हो सकते हैं ख़तरा हो सकता है उनको स्नेक बाइट कर सकता है तो बेहतर है कि हमसे रब्ता किया जाए हम इंशाल्लाह हर जगह पे पहुंचने की ताकत रखते हैं पाकिस्तान में तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम ठीक है जी बाकी इसको पकड़ लिया अब हम चलते हैं तो बाकी फिर से इंशाल्लाह क्योंकि अब शाम भी होने वाली है ओके अल्लाह हाफिज़।